देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाला एक नया आंकड़ा फिर सामने आया है। औद्योगिक उत्पादन यानी IIP में पिछले 8 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। यह आंकड़ा वाकई सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने देश में ऐसे हैं जब खपत सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि इन्हीं महीनों में नवरात्र, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इसलिए इसे फेस्टिव सीजन भी कहा जाता है। अमूमन सितंबर अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री को फेस्टिव डिमांड पूरी करने के लिए इन्वेंट्री तैयार करनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सितंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर 2011 में औद्योगिक उत्पादन में 5% की गिरावट आई थी। अगस्त महीने में औद्योगिक उत्पादन में 1.1% की गिरावट आई थी। इंडस्ट्रियल आउटपुट या फैक्ट्री आउटपुट से देश की आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लगाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र में सुस्ती की वजह से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 3.9% की कमी आई है। माइनिंग ग्रोथ में 8.5% की गिरावट आई है। सितंबर में सबसे ज्यादा गिरावट कैपिटल गुड्स की ग्रोथ में आई है। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ 20.7% गिरी है। औद्योगिक उत्पादन के इन आंकड़ों से साबित होता है कि अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल स्लोडाउन बना हुआ है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब है कि देश की औद्योगिक गतिविधि कम हो चुकी है। सरकार के आर्थिक सुस्ती को दूर करने के उपायों का भी असर नहीं दिख रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और सस्ता कर्ज भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। वैसे भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए डिमांड का होना काफी जरूरी है। कोई भी कंपनी निवेश तब करती है जब उसको लगता है कि उस निवेश से वो पैसा कमा सकती है, लेकिन अभी कंपनियों को ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए वो निवेश भी नहीं कर रही हैं। निजी खपत इस वक्त धराशायी हो चुकी है और जब तक निजी खपत नहीं बढ़ेगी तब तक निवेश नहीं होगा। नया निवेश ना होने से औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का असर दूसरी तिमाही की ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि मूडीज ने भारत की रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने भारत की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने आर्थिक ग्रोथ घटाने की आशंका से रेटिंग कम की है। नोमुरा ने कारोबारी साल 2020 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान घटाकर 4.9% कर दिया है। पहले कारोबारी साल 2020 का 5.7% GDP ग्रोथ अनुमान जारी किया गया था। RBI ने भी वित्तीय वर्ष 2020 का ग्रोथ अनुमान 6.8% से घटाकर 6.1% कर दिया था। यानी RBI भी मानता है कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल ठीक नहीं है। केयर रेटिंग की माने तो कारोबारी साल 2020 में 4% ग्रोथ हासिल करने के लिए दूसरी छिमाही में औद्योगिक उत्पादन में 6 से 6.5% ग्रोथ की जरूरत होगी, जबकि चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही भारत की आर्थिक ग्रोथ 5% पर आ गई, जो कि 6 साल में सबसे कम है। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दूसरी तिमाही में भी GDP ग्रोथ में कमी की ओर इशारा कर रही है। यानी 29 नवंबर को आने वाला GDP आंकड़ा भयावह हो सकता है। अभी तक की आर्थिक गतिविधियों से साबित होता है कि भारत में आर्थिक सुस्ती साइक्लिकल के बजाय स्ट्रक्चरल हो सकती है। उसका मतलब यह है कि सरकार को ग्रोथ बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लेने होंगे, ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश और खपत बढ़ाई जा सके।